हाय एवरीवन मैं हूं शिफाली क्रदरवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज विथ क्लियरटिक्स आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूं एक इंपॉर्टेंट डिसीज़न और वो इंपॉर्टेंट डिसीज़न काफ़ी इंपॉर्टेंट है आर के लिए आर जैसे कि हम सब लोग जानते हैं जो अलग अलग सोसाइटीज़ होती हैं अलग अलग एरिया जिनको कि ऐसा सोसाइटी डेवलप किया जाता है कई बार एक पूरा एरिया मतलब सोसाइटी नहीं भी हो तो भी उसकी एक आर डब्ल्यू ए फॉर्म की जाती है जो कि वहाँ के जो रेजिडेंट्स होते हैं उनकी वेलफेयर के लिए होती है तो कुछ जो कॉमन एम्यूनिटीज़ होती हैं उसके लिए वो लोग पे करते हैं और वो लोग क्या करते हैं उस अमाउंट को कलेक्ट कर लेते हैं उस एरिया के जितने भी मेम्बर्स हैं जितने भी रेजिडेंट्स होते हैं उनसे तो ये एक जनरल फॉर्मेशन होती है आर की उनका कोई प्रॉफिट मेकिंग पर्पज़ नहीं होता और जनरली वो कोई प्रॉफिट अर्न भी नहीं करते उनका पर्पज़ सिर्फ ये होता है कि इतने सारे लोगों को अलग अलग सर्विसेज जो प्रोक्योर करनी पड़ेंगी उसकी जगह वो कंबाइंडली उसको एक जगह पे कर लेते हैं और जो भी उनके एक्सपेंस होते हैं वो पूरी रिकवर कर लिए जाते हैं जैसे मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं कई बार सोसाइटीज़ के अंदर ये एक फिक्स अमाउंट होती है मंथली के ठीक है इतना आप उसको रिकवर करते चले जाएंगे अब इस पर एक क्वेश्चन ये था कि क्या ये सर्विस है पहले तो सबसे पहले यही एक सवाल था क्योंकि एक म्यूचुअलिटी का कंसेप्ट होता है कि भाई जब अदर एंटिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती तो मेंबर्स जो हैं उन्होंने खुद ही एक अमाउंट कलेक्ट किया और ख़ुद ही उन्होंने उसको एम्यूनिटीज़ uh, को अपने लिए प्रोक्योर कर लिया तो क्या यहाँ पे दो डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज़ हैं जो एक दूसरे को सर्विसेज दे रही हैं क्योंकि सप्लाई होने के लिए ये तो ज़रूरी है कि कम से कम दो तो डिस्टिंग पर्सन हो दो पर्सन हो एटलीस्ट राइट right, तो दो पर्सन होंगे तभी तो आपस में वो सप्लाई दे पाएंगे खैर ये एक अदर इशू है और आज मैं अभी इसको नहीं डिस्कस करने जा रही हूँ तो इसमें क्या था कि सी सी ने जो अपना इनिशियल नोटिफिकेशन निकाला था बारहबटी दो हज़ार सत्रह आप सब लोग जानते होंगे बारहबटी दो हज़ार सत्रह एग्जिबिशंस की लिस्ट थी तो उसकी एंट्री नंबर सेवेंटी सेवन के थ्रू उन्होंने जो आर डब्लू एज़ हैं जो इस तरीके की एक्टिविटीज़ में लगती हैं मतलब जरूरी नहीं कि उनका नाम आर डब्ल्यू ए ही हो मतलब वो एक टाइप है उसका तो इस तरह की जो एसोसिएशन हैं कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल है जो इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं कि भाई अपना एक कॉमन पूल बना के और उसमें से एक्सपेंसेस कर लिए और अमाउंट रिकवर कर लिए अपने मेंबर्स से तो उन्होंने कहा कि उनकी जो अमाउंट है उनकी सर्विसेज है उन्होंने सर्विसेज वर्ड यूज़ किया तो उस पर उन्होंने बोला कि फाइव थाउजेंड तक वो एग्जेम्प्ट रहेगा और उसके ऊपर जो है वो चार्जेबल हो जाएगा इस अमाउंट को बाद में इंक्रीज करके सेवेंटी फ़ाइव हंड्रेड रुपीज़ कर दिया गया कि सेवेंटी फाइव हंड्रेड तक इट विल बी एक्जेंटेड उसके ऊपर वो टैक्सेबल हो जाएगा अब इसमें कन्फ्यूज़न यहाँ पर आया यहाँ तक सब ठीक था इसके बाद कन्फ्यूज़न इस चीज़ का आया कि सी uh, बी ने एक नोट uh, सर्कुलर uh, निकाला और उसमें उन्होंने क्लेरिफाई किया इसमें कुछ कन्फ्यूज़न तो पहले ही क्रिएट हो गए थे से तो कुछ एडवांस रूलिंग थी जिन्होंने ये बोल दिया कि भाई सेवेंटी फाइव हंड्रेड से अगर ऊपर क्रॉस होता है तो फिर पूरी अमाउंट पे टैक्स लगेगा ना कि बैलेंसिंग फिगर पे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपकी जो आर डब्ल्यू ए कलेक्ट कर रही है वो नाइन थाउजेंड रुपीज़ कर रही है तो सीबीआईसी का कहना ये था और कुछ एडवांस रूलिंग्स थी उनका कहना ये था कि अगर नाइन थाउजेंड हो गया इसका मतलब सेवनटी फाइव हंड्रेड की जो एक्जन है उससे क्रॉस हो गया तो फिर अब आपको पूरे नौ हज़ार रुपये देना पड़ेगा जबकि जो टैक्स पेयर्स थे और जो कंसल्टेंट्स थे जो लोग लॉ को पढ़ते हैं उनका प्ली ये था कि भाई जो आपने लैंग्वेज लिखी है उस लैंग्वेज के हिसाब से जो इसका मतलब निकलता है उस लैंग्वेज के हिसाब से तो मतलब इसका ये निकलता है कि सेवेंटी फाइव हंड्रेड तक एग्जिम्टिड है और उसके ऊपर की जो अमाउंट होगी वो टैक्सेबल होगी तो इसमें काफ़ी टाइम तक तो कॉन्ट्रोवर्सी चलती रही चलती रही चलती रही अभी एक रिसेंट डिसीज़न आया है मद्रास हाई कोर्ट का जिसमें कि मल्टीपल पिटिशंस थी काफ़ी सारी अलग अलग थी इसके अंदर और अधिकतर जो पिटिशनर्स थे वो आर डब्ल्यू एज ही थे अलग अलग जगह के अलग अलग जो हाउसिंग सोसाइटीज़ होती हैं उनके आर डब्ल्यू एज ने ही अलग अलग पिटिशन डाली हुई थी तो उनका एक कम्बाइंड डिसीज़न आया है तो इसमें कोर्ट ने ये बोला है कि इसकी लैंग्वेज से क्योंकि इसमें अप टू वर्ड यूज़ किया गया था उनका अप टू का मतलब एक तरीके से टिल है तो उन्होंने कहा कि इसकी जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज के हिसाब से जो इसकी टेक्सीबिलिटी होनी चाहिए वो तभी तक होनी चाहिए जब तक कि उसकी एग्जाम्शन है यानी कि एग्जाम्बन से ऊपर अगर वो निकल गया तो मतलब वहाँ तक का अमाउंट उसका एग्जाम्ट होना चाहिए सेवेंटी फाइव हंड्रेड का और अगर उससे ऊपर भी वो क्रॉस करता है तो भी वो सारी अमाउंट पे नहीं लग के आपके जो चार्जेबल अमाउंट है उसमें से लेस करके एग्जाम्पन के अमाउंट तब उस पर लगना चाहिए ये काफ़ी बड़ा रिलीफ है सब लोगों के लिए क्योंकि आर पहली बात तो यही एक लिटिगेटिव मैटर है कि भाई उनके जो वो कलेक्शन कर रहे हैं क्या वो अपने अपने सर्विस है भी कि नहीं और उस पर भी फिर उसको टैक्सेबल करना है क्योंकि एक जनरल होता है कि थोड़ा सा भी अच्छा अगर फ्लैट है आपके किसी मेट्रो सिटी के अंदर तो सेवेंटी फाइव हंड्रेड से ज़्यादा चार्जेस होते ही हैं तो अननेसेसरी एक जो छोटी छोटी कॉमन एमिनिटीज़ के लिए बंदा खर्च करा है उस पर भी मतलब उसको चार्जेस उससे कलेक्ट करना तो उन लोगों के लिए काफ़ी बड़ा रिलीफ है क्योंकि काफ़ी सारी आर डब्ल्यू इस चीज़ से परेशान थी सी सेवेंटी फाइव हंड्रेड के ऊपर होते आपको फिर पूरी अमाउंट पर उसका जी एस टी पे करना पड़ रहा था तो जो कि काफ़ी ह्यूज अमाउंट इकट्ठे होके हो जाती थी दूसरी चीज़ ये कि आर के अपने वो अपने पास कभी कोई फ़ंड रखते नहीं हैं या तो वो एक पूरे मतलब जो मेंबर्स होते हैं उनका एक फंड बन जाता है उसमें कुछ बचता भी है तो तो मतलब वो जीएसटी की हाई अमाउंट एक अननेसेसिटेड एक्सपेंस थी उन सबके लिए तो आई थिंक उनके लिए काफ़ी अच्छा रिलीफ रहा होगा अब जीएसटी के बहुत सारे प्रोविजन ऐसे हैं जो कोर्ट में जाके ही डिसाइड होते हैं ऑल तो ये जो तो लैंग्वेज से काफ़ी अच्छे से क्लियर भी था एंट्री नंबर सेवेंटी सेवन की अगर आप देखेंगे लैंग्वेज तो वहाँ पे ये काफ़ी हद तक क्लियर भी था तो काफ़ी लोगों ने मुझे बोला था कि इस इशू पे मैं एक वीडियो बनाऊँ तो अभी अच्छा हुआ कि कोर्ट का ये डिसीज़न आया और उसमें एक क्लैरिफाई भी हो गया ये डिसीज़न हमारी साइट पे अपलोडेड है वहाँ पर आप इसको रीड कर सकते हैं और साथ ही हमारा जो भी इंग्लिश वाला कोर्स चल रहा है जी का उसमें भी हम लोग क्योंकि हम हर सेशन के अंदर एक असाइनमेंट देते हैं और हर सेशन के अंदर एक ना एक कोई केस जरूर कवर करते हैं तो ये केस भी हम लोग वहाँ पर कवर करने वाले हैं इसी के साथ ही वीडियो में क्लोज़ कर रही हूँ थैंक यू सो मच